लाइक बैटल रॉयल वाली चीज़ है पबजी मोबाइल की। तो ये जो है गाइस बीजीएमआई में भी आएगी, अभी बीजीएमआई में आने तक इसे बहुत समय लग सकता है, 3-4 अपडेट, 5-6 अपडेट, पता नहीं कितने। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क करता है, ये ग्लोबल बेटा में तो फिलहाल हमें देखने को नहीं मिली। ग्लोबल बेटा में कुछ बहुत ही अतरंगी चीजें देखने को मिल रही है जो कि मैंने आपको गाइस प्रीवियस वीडियोस के हेल्प से बता दिया है। सो गाइस अगर आपने वो मिस किए हैं जरूर देख लेना। एक स्पाइडरमैन मोड आने वाला है बीजीएमआई में, उसके बाद द नॉक 12 स्विमिंग वाला फीचर आने वाला है, सैंटोरिनी मैप आने वाला है। हालांकि उसमें से 50% चीजें अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती। सांप को पाल रहा था। What is going on, buddy? Welcome back guys to the channel. And ये वीडियो में जो गाइस मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक वाली चीज दिखाने वाला हूँ गाइस, जो कि आप देखकर मतलब आपके लिए I mean बहुत सारे लोगों के लिए ये पसंद भी आ सकती है, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि भाई इसकी कुछ जरूरत नहीं थी। जो भी है, जैसा आपने टाइटल हमने लिखा है गाइस, कुछ क्लिकबेट नहीं है। ये चीज जो है गाइस हमें एक मोबाइल वर्जन में देखने को मिली है। एंड अगर गाइस मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो गाइस गेम फॉर पीस के बेटा में जो है गाइस ये चीज हमें देखने को मिली है। अभी ये जो चीज है गाइस, ये देखो कोई स्किन से रिलेटेड नहीं है, ना ही कोई कोलैबोरेशन से रिलेटेड है। ये एक कहते ना लाइक बैटल रॉयल वाली चीज है PUBG मोबाइल की। तो ये जो है गाइस बीजीएमआई में भी आएगी, अभी बीजीएमआई में आने तक इसे बहुत समय लग सकता है, 3-4 अपडेट, 5-6 अपडेट, पता नहीं कितने। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क करता है, तो मैं श्योर तो नहीं हूँ कि कौन से वर्जन में आएगा गाइस, लेकिन ये जरूर हमें देखने को मिलने वाला है गाइस, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लुक है गाइस वो हमें गेम फॉर पीस में देखने को मिल गया है। एंड मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो है गाइस सेल्फ रिवाइव किट, ठीक है। तो ये जो है गाइस, एंड जो बैकग्राउंड में आप गेम प्लेस देखोगे गाइस, वो अभी फिलहाल तो मैं देख सकते हो लाइव कमेंट्री तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है गाइस बहुत ही रेयर है। एंड ये जो चीज है, ये मैं डिटेल में बता दूं ये कब ऐड हुई थी, एंड अभी जो है गाइस इस बेटा में अवेलेबल है नहीं, ठीक है। सो गाइस ये जो सेल्फ रिवाइव किट है गाइस, ये अगर आपको पता नहीं है क्या वर्क करती है, ये जो है गाइस नाम की तरह ही वर्क करती है। एंड ये जो है पबजी पीसी में बहुत पहले से तो नहीं कहूंगा, लेकिन रिसेंटली जो है गाइस PUBG पीसी में भी जो है गाइस एक सेल्फ रिवाइव किट ऐड हुई थी। एंड आपको जैसे पता है गाइस जो भी पीसी वर्जन में आता है वो मोबाइल वर्जन में कन्वर्जन होता है, उसका थोड़ा समय लगता है, लेकिन गेम फॉर पीस में वो कुछ जल्दी आ जाता है, जैसे कि क्वाड बाइक वगैरह आ गई, एंड ये सेल्फ रिवाइव किट भी आ गए। एंड तो ये जो चीज है धीरे धीरे ग्लोबल कोरियन वर्जन एंड उसके बाद बीजीएमआई उसमें भी आएगी, टेंशन नहीं लेना। बट जो है गाइस गेम फॉर पीस में हमें फाइनली चीज फर्स्ट लुक इसका देखने को मिल गया है। अभी मैं इसका गेम प्ले लाइव आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि जो है गाइस ये जो सेल्फ रिवाइव किट है, ये सबसे पहले वाला जो पैच था ना, सबसे पहला वाला पैच गेम फॉर पीस का बेटा का, तो मैंने जो है गाइस आई थिंक जिस दिन सबसे पहली वो वीडियो डाली थी जो न्यू गेम प्ले है, न्यू मैप का जो गेम प्ले डाला था मैंने, रिजॉर्ट मैप का या फिर जो भी है, तो गाइस उसी दिन के पैच में जो है गाइस वो सेल्फ रिवाइव किट ऐड हुई थी, ठीक है। अभी जो बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहा हूं, मैं आपको बता भी दूंगा कि वो कैसे आपको मिलती थी उस बेटा में, या फिर आपको वो कैसे मिल सकती है अपकमिंग बीजीएमआई में वगैरह। सो गाइस सबसे पहले वाले दिन में जो है गाइस ये सेल्फ रिवाइव किट ऐड हुई थी, एंड उसके बाद जो है गाइस सेकंड डे पे निकाल दी गई थी, ठीक है। तो एंड अभी तक भी जो है गाइस वो अवेलेबल है नहीं, तो सबसे पहले दिन में ही आई थी, एंड उस टाइम जो है गाइस मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, रह गया, टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि आपको पता ही है गेम फॉर पीस के वो बेटा में कितनी सारी न्यू चीजें आई थी, तो वो सब डिस्कवर करने में ही मेरा टाइम चला गया पहले दिन में। सो इसलिए जो है गाइस आज एक क्लिप के हेल्प से मैं आपको दिखाने वाला हूं, बट जो आप बैकग्राउंड में क्लिप देख रहे हो, एक गेम प्ले देख रहे हो, वो मेरा ही है। एंड एक कुछ तो चाइनीज न्यू ईयर वाला आई थिंक न्यू ईयर या चाइनीज न्यू ईयर कुछ तो एक मोड उन्होंने डाला है, आपको पता है चाइना में कुछ तो एक होता है, एंड ड्रैगन से रिलेटेड चीजें भी है जैसे आप बैकग्राउंड में देख रही हो ऑब्वियसली। एंड अगर पूछते हो गाइस कि सेल्फ रिवाइव किट मिलती कैसे है, तो ये जो है गाइस आई थिंक ये ग्लोबल में भी एक चीज आई थी, मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझे जरूर बता देना कि गाइस इरांगल में जो है एक वैन चलती थी, ठीक है, एक ऑटोमेटेड वैन होती थी, आप उसे लूट ट्रक भी कह सकते हो, सैनोक वाली जैसी नहीं डिट्टो, लेकिन जो है गाइस नॉर्मल एक लूट ट्रक होती थी, एआई व्हीकल होती थी, एंड अगर आप उसे शूट करते थे वो वैन जो है गाइस कुछ ड्रॉप्स करते थे, कुछ लाइक लूट वगैरह ड्रॉप करती थी, तो वैसे जो है गाइस आपको वो सेल्फ रिवाइव किट मिलती है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख लोगे, मैंने बहुत ट्राई किया वो ढूंढना, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो फर्स्ट पैच में ही क्या बोलते हैं रिलीज हुई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट पैच है उसमें से वो रिमूव कर दी, पता नहीं क्यों रिमूव की, मे बी जस्ट उन्होंने टीज किया होगा, जो भी है, लेकिन उसका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल गया। एंड वो एक ऐसी चीज है जो कि एक कोर गेम प्ले के अंडर आती है, लाइक इट्स अ बैटल रॉयल एक्सपीरियंस वाली चीज है, ऐसे नहीं कि कुछ कोलैबोरेशन वाली चीज है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा कि वो जो है गाइस बीजीएमआई में आने के चांसेस है या फिर ग्लोबल में आने के चांसेस है ओवरऑल। तो सेल्फ रिवाइव किट जो है गाइस ऑफकोर्स ऐसे काम करेगी, अगर आप मर जाते हो, अगर आप नॉक हो जाते हो, तो आप जो है गाइस किसी किसी के बिना हेल्प के जो है गाइस आप खुद को रिवाइव कर सकते हो। मैं आपको जो है गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड में वो क्लिप दिखाऊंगा कि वो सेल्फ रिवाइव किट दिखती कैसी है एंड कैसे वर्क करती है। जब भी आप वो उठाओगे ऑफकोर्स आपके इन्वेंटरी में चली जाएगी, एंड जब आप नॉक होते हो, भले आप सोलो खेल रहे हो, अगर आप सोलो भी खेल रहे हो, तो ऑफकोर्स अगर आपको किसी ने मारा
तो आप जो है गाइस नॉक होंगे, यू नो, अगर आप सोलो में खेल रहे हो तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लॉबी में चले जाओगे, तभी नॉक होगे जब आपके पास सेल्फ रिवाइव किट, यू नो, इन्वेंटरी में या फिर आपके बैग में होगी। अगर आपके बैग में सेल्फ रिवाइव किट नहीं है आप सीधा मरोगे, अगर आपके बैग में सेल्फ रिवाइव किट है आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा, आप नॉक होंगे एंड आपको जो है गाइस बस बैग ओपन करनी है, वो सेल्फ रिवाइव किट के ऊपर क्लिक करना है एंड यूज का बटन आएगा एंड वो आपको यूज करनी है, दैट्स इट। सो यहाँ पे जो है गाइस आप खुद ही रिवाइव हो जाओगे। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कॉड से कॉपी किया है किसी और गेम से, पता नहीं फ्री फायर में ऐसा कुछ चीज है या नहीं, जो भी है यार, आई मीन प्लेयर्स को न्यू चीजें ट्राई करने को मिल रही है एंड स्पेशली ये एक ऐसी चीज है जो कि शायद से काम भी आ सकती है, क्या फिर क्या पता काम में नहीं है भी आ सकते, कुछ कह नहीं सकते। एंड ऑल्सो अगर आप पूछते हो कि भाई अगर आपने सेल्फ रिवाइव किट यूज कर ली तो आपकी हेल्थ कितनी हो जाती है, लाइक वो 100% पे चली जाती है या फिर जस्ट यू नो लाइक 15-20% जो नॉर्मली रिवाइव के बाद हेल्थ होती है, तो गाइस उस हिसाब में जैसे नॉर्मल रिवाइव अगर आपको मिलता है तो आपकी हेल्थ कैसे 10 या फिर 15% के आसपास होती है, तो उतनी आपको हेल्थ होगी गाइस। ऐसे नहीं कि अगर आपने सेल्फ रिवाइव किट यूज कर ली आपकी हेल्थ यू नो फुल हो जाएगी उसके बाद, लाइक जो एनर्जी ड्रिंक का बार होता है या फिर बूस्ट का बार होता है वो फुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। नॉर्मल आपकी जो हेल्थ होगी वो वैसी ही रहेगी, यू नो लाइक 15-20% जब आप सेल्फ रिवाइव किट यूज करोगे उसके बाद, तो वही चीज ध्यान में रखना गाइस। सो बस गाइस आपको एक चीज बतानी थी, बहुत ही मेजर वाली चीज है। अब ये ग्लोबल बेटा में तो फिलहाल हमें देखने को नहीं मिली, ग्लोबल बेटा में कुछ बहुत ही अतरंगी चीजें देखने को मिल रही है जो कि मैंने आपको गाइस प्रीवियस वीडियोस के हेल्प से बता दिया है। सो गाइस अगर आपने वो मिस किए हैं जरूर देख लेना। एक स्पाइडरमैन मोड आने वाला है BGMI में, उसके बाद द नॉक्ट वाइल्ड स्विमिंग वाला फीचर आने वाला है, सैंटोरिनी मैप आने वाला है, हालांकि ये जो भी चीजें जो मैं आपको बताई ना ग्लोबल बेटा में अवेलेबल है अगर आपको खेलना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हालांकि उसमें से 50% चीजें अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती ग्लोबल बेटा में, बट देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। होपफुली ये ग्लोबल या फिर BGMI में जब 1.8 में पुश आउट होती है, आई होप इट विल बी यू नो वेल फिनिश्ड। सो बस गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना एंड अगर अपने चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज सबर कर आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सर पकड़ा तू चुप ना यार, तू चुप ना, काय को बोलता है तू।